माहिर नफ्सियात इंसानी बर्ताव के तज्जिये और तशखीस के लिए साइंसी तरीक़ाकार इस्तेमाल करता है। वो अपनी महारत के जरिए लोगों के जहनी मसाइल और अमराज पर काबू पाते हैं या फिर जिंदगी के बहुत से जहनी, जज्बाती, खानदानी मसाइल और मामलात को हल करने में मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे पढ़ाना चाहिए या हस्पताल और जेल में मरीज और कैदी से कैसे निपटना चाहिए। नफ्सियात की कई शाखें सामने आ चुकी हैं। स्पेशलाइजेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट की तालीम की जरूरत होती है। ये पेशा इख्तियार करने के लिए कम से कम डिग्री सतह की तालीम होनी चाहिए। अगर आपके पास इस फील्ड का तजर्बा है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट तालीम हासिल कर सकते हैं। आप नफ्सियात की एक खास फील्ड में भी माहिर बन सकते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान में नफ्सियात के किसी एक मौजू पर महारत का तसव्वुर मौजूद नहीं है। इस फील्ड में करियर का आगाज आप ग्रेजुएशन के बाद किसी तजर्बाकार साइकोलॉजिस्ट के पास बतौर मुआविन कर सकते हैं। इस फील्ड में जाने के लिए कम से कम तालीमी अहलियत BS साइकोलॉजी है। इसके बाद MSc साइकोलॉजी की तालीम है। पाकिस्तान में कई सरकारी और निजी जामियात नफ्सियात की तालीम देती हैं। एक मरतबा जब आप यूनिवर्सिटी से नफ्सियात की तालीम हासिल कर लेते हैं तो बहुत आसानी से नफ्सियात की एक खास ब्रांच में महारत हासिल कर सकते हैं। ताहम पाकिस्तान में चूंकि नफ्सियात को अच्छा तसव्वुर नहीं किया जाता, इसीलिए खुद को नफ्सियात के किसी एक मौजू तक महदूद करना आसान नहीं है। अगरचे इसके कुछ ना कुछ मौके जरूर मौजूद हैं। माहिर नफ्सियात बनने के लिए किन काबिलियतों की जरूरत होती है? बोलने और लिखने में बेहतरीन हो और अपने क्लाइंट्स को बहुत एहतियात और तवज्जो से सुन सके। मरीजों की सेहत की बहाली के लिए इसी पेशे से वाबस्ता अफरादेकार के साथ मिलकर काम कर सके। साइंस में दिलचस्पी हो, मजीद सीखने की लगन हो, लोगों से मेल जोल की खूबी हो, शख्सियत में ठहराव हो, परेशान और मुतजब्जिब क्लाइंट्स के सामने इत्मीनान से रह सके, मसाइल को हल करने और दुरुस्त फैसला करने की महारत हो, वो तयशुदा कवायद और नज्म की पाबंदी कर सकता हो। इस फील्ड में मजीद मौके। नंबर एक, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। नफ्सियात की एक अहम शाख तालीमी नफ्सियात है। इसका माहिर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होता है जो स्टूडेंट्स, बिलखसूस बच्चों और नौजवानों के सीखने समझने के मसाइल और बर्ताव की शिकायत पर काम करता है। नंबर दो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ये माहिर नफ्सियात मुख्तलिफ क्लाइंट्स के जहनी और जिस्मानी सेहत के पुराने मसाइल का तज्जिया करता और उनके लिए दुरुस्त इलाज तजवीज करता है। नंबर तीन, ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट। ये माहिर नफ्सियात तजारती इदारों के साथ काम करता है, वहाँ के माहौल का जायजा लेकर वहाँ
मखसूस दफ्तर में अपने क्लाइंट्स का मुआयना किया जाता है। अलबत्ता बाज मरीजों की कैफियत की वजह से कभी कभी माहिर नफ्सियात को क्लाइंट के घर पर भी मुआयना करने जाना पड़ जाता है। इस शोबे में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जज्बाती तौर पर ये काम बहुत ही कर्ब अंगेज है। बाज शोबों में माहिर नफ्सियात को हर दम फोन कॉल के इंतजार में रहना पड़ता है। नीज बाज क्लाइंट के साथ घंटों बैठ कर उन्हें सुनना पड़ता है। नाज़रीन, हमारी इन वीडियोस का मकसद मुआशरे और खास तौर पर नौजवान नस्ल को मुख्तलिफ तरह के करियर्स के बारे में आगाही फराहम करना है, ताकि उन्हें अपने पैशन के मुताबिक शोबे का इंतखाब करने में आसानी रहे और वो एक बाइज्जत रोजगार शुरू कर सकें। इस वीडियो में दी गई मालूमात इंसाइक्लोपीडिया करियर से ली गई हैं। इसमें बावर्ची से लेकर खलाबाज तक दुनिया भर में राइज करियर और शोबाजात के बारे में बुनियादी अमली मालूमात, करियर के लिए दरकार तालीमी अहलियत, जरूरी महारतों, बुनियादी दिलचस्पियों और दरपेश रुकावटों वगैरह का जामे तस्करा मौजूद है। इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके लिए कितनी मुफीद साबित हुई, कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद करियर्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल किताब सुनो को सब्सक्राइब करें।